नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीकर बन इंग्लिश में। गाइस, आज के वीडियो में मैं लेके आया हूँ आपके लिए कुछ ऐसे इंग्लिश के इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि आप सभी को मालूम होंगे, बट वो जब जुड़ जाते हैं आपस में तो कैसे उनका मतलब चेंज हो जाता है और कैसे कैसे किस वर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की कन्वर्सेशन में, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है गाइस वो वर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिख दिए, आइए हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, पहला है दोस्तों आपका आई। आई आप कहते हैं आंख को, वॉश आप कहते हैं धोने को, और आई वॉश आप कहते हैं दोस्तों धोखा देने को। इसी तरह वाटर को आप कहते हैं दोस्तों पानी, मेलन को आप कहते हैं खरबूज, वाटर मेलन को आप क्या कहते हैं दोस्तों तरबूज। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। बटर कहते हैं आप दोस्तों मक्खन को, फ्लाई कहते हो आप उड़ने को, लेकिन बटरफ्लाई कहते हैं आप तितली को दोस्तों। इसी तरह नैप कहते हैं दोस्तों आप झपकी लेने को, जो आप सो जाते हैं दिन में तो उसे आप कहते हैं नैप। और किन कहते हैं दोस्तों आप संबंधी, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं उन्हें आप किन कहते हैं, लेकिन नैपकिन कहते हैं दोस्तों आप कागज़ के रुमाल को। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे जो कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। सोलो में देखेंगे तो मतलब अलग है, जब दो वर्ड्स जुड़ गए तो उनका मतलब टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह दोस्तों कुछ और वर्ड्स मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि बहुत हेल्पफुल है अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। तो ये हैं गाइस वो इंटरेस्टिंग से वर्ड्स जो मैंने आपके सामने लिख दिए। देखिए कैसे एक वर्ड चेंज होगा और मतलब बदल जाता है। देखिए, दिन काटने के लिए दोस्तों आप कहते हैं स्पेंड द डे। इसी तरह समय काटने के लिए दोस्तों आप क्या यूज करते हैं, किल द टाइम का। स्पेंड नहीं आता, किल द टाइम, टाइम के साथ हमेशा किल। रास्ता काटने के लिए दोस्तों यूज किया जाता है कट द वे का। रास्ता काटने को कहते हैं कट द वे। इसी तरह सब्जी काटने को क्या कहते हैं, चॉप द वेजिटेबल, चॉप द वेजिटेबल। इसी तरह जेब काटने के लिए यूज होता है पिक द पॉकेट का, और दांत काटने के लिए हम कहते हैं दोस्तों बाइट का। इसी तरह दोस्तों अगर पैसे कट जाते हैं तो हम यूज़ करते हैं डिडक्ट मनी। आपके मान लीजिए बैंक से पैसे कट गए तो आप वहाँ पे कट, किल, स्पेंड ये कुछ नहीं, आप यूज़ करेंगे डिडक्ट का, मनी के साथ डिडक्ट। बात काटने के लिए दोस्तों आप यूज़ करते हैं इंटरप्ट का। तो दोस्तों ये थे हमारे वो वर्ड्स जो कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बट देखिए दोस्तों, कटने की बात हो रही है सबकी, बट दिन, समय, रास्ता, सब्जी, बट ये चेंज हुआ तो कैसे इनके आगे के ये इंग्लिश के वर्ड्स भी चेंज हो गए। तो कहीं पे कट आएगा, कहीं पे स्पेंड, कहीं पे किल, कहीं पे इंटरप्ट। तो ये है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप एक अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको ये दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा कि किसके साथ आपको कौन से वर्ड का यूज करना है। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जिनका मतलब कैसे चेंज हो जाता है, कब कहाँ कैसे आप उसे हिंदी में बोलते हैं, कब कहाँ कैसे आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, ये आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।